गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन के कंडीशन में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे क्या कि इसमें जैसे ही देखेंगे कि इसके कंडीशन में अपन बात करें तो अपन मैटाटेक फेज एक्सप्लेन करें, उसकी सब फेजेस मतलब फेज के बारे में बात करेंगे तो उसकी फेज की कंडीशन में अपन बात करते हैं, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसमें जैसे ही अपन बात करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के कंडीशन में, तो जैसे ही बात करेंगे कि इसके प्रोफेज में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो प्रोफेज के कंडीशन में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है सबसे पहला बात। तो साइटोप्लाज्म की कंडेंसेशन जैसे ही होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसमें भी क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि डिहाइड्रेशन, क्वाइलिंग, ये सारे के सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस्ड होकर के, क्वाइल होकर के, ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें जो है कंडेंस होकर के, क्वाइल होकर के, और कैसा हो जाएगा, शॉर्ट एंड थिक हो जाएगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें अपन बात करते हैं तो क्रोमेटिन का जो है एक नेटवर्क है, ठीक है ना, मतलब कि एक जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मान लो कि ये क्रोमेटिन है, ये छोटा और मोटा हो गया, क्रोमोसोम का शेप ले लिया, तो बिल्कुल इस तरीके से ही होगा। अब जैसे ही बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसके दो स्टेज होते हैं, मतलब कि प्रोफेज के, अर्ली प्रोफेज की बात करेंगे और लेट प्रोफेज की बात करेंगे। अर्ली प्रोफेज के कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस तो हुआ बट उतना कंडेंस नहीं हुआ, दो के दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बना, बट इसकी जो एंड जो है विजुलाइज नहीं, एंड जो है क्या होते हैं कि क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं कि इसके एंड अलग अलग है, बट ये दोनों के दोनों जुड़ा हुआ रहता है एक पॉइंट से जिसको सेंट्रोमेयर बोलते, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर बोलते, मतलब कि कंडीशन क्या है कि ये दोनों के दोनों जुड़े हुए रहते हैं उस चीज़ों से। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे जो डुप्लीकेटेड स्टेज था एस्पेज में क्या डीएनए का, और दूसरी कंडीशन है कि सेंट्रोसोम का, तो वो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम जो क्या कर रही है कि अब अपने अपने पोल की तरफ मूव कर रही है, क्या कर रही है, अपने अपने पोल की तरफ मूव कर रही है। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, उस क्या कर रहा है कि उसके ऊपर रैपिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब कि ये थिक और शॉर्ट होते जा रहा है, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन नेटवर्क था, वो चेंज हो जा रहा है किसमें, क्रोमोसोम में, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले बात करें कि ये प्रोफेज में ये सारे के सारे क्राइटेरिया है, तो की इवेंट्स आप देखोगे कि एनसीईआरटी लास्ट में दिया हुआ है कि सबसे पहले तो होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है इन अर्ली प्रोफेज, बट ये माइग्रेट करती है लेट प्रोफेज की तरफ, तो क्या होता है कि वहाँ पे कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, सारे के सारे चीज़ें गायब, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो 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 मतलब कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होकर के क्या हो रहा है कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन होकर के क्रोमोसोम बन जा रहा है, और दोनों को दोनों क्रोमोसोम क्या हो रहा है, दोनों को दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो रहा है, एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जा रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है काइनेटोकोर होगा। अब क्या कंडीशन है कि जो 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 क्रोमोसोम मतलब कि सेंट्रोसोम जो मूव करके अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, उसके चारों तरफ जो है रेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना, एस्ट्रल रेज बनना स्टार्ट हो जाता है चारों तरफ, तो सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज इज नॉन एज एस्टर। तो कंडीशन क्या है कि हम दो तरह के माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के केस में अलग होती है और प्लांट के केस में अलग होता है। तो एनिमल के केस में जो माइटोसिस होता है बेटा, उस माइटोसिस को अपन बोलते हैं क्या, एस्ट्रल माइटोसिस और एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। एक्चुअली होता क्या है कि दो दो एस्टर का फॉर्मेशन होता है और दोनों एस्टर अपने अपने पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। और एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एस्ट्रल, एस्टर का फॉर्मेशन होता है एस्ट्रल माइटोसिस। लेकिन प्लांट के कंडीशन में सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसके वजह से उसको एन एस्ट्रल, एन मतलब नॉट, एन एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। तो इट्स अ बेसिक सिनेरियो ऑफ द प्रोफेज वन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रोफेज। यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा है क्या, चलिए हेडिंग बनाइए प्रोफेज। ये माइटोसिस का पहला फेज है,
क्या है, इट इज, ठीक है ना, इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, इट इज अ फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, इट फॉलोस follows as an G2 phase. The replicated DNA or genetic material is completely not distinguishable at its end. That means it is intertwined, उलझा हुआ, ठीक है, इंटरवेंड है. अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें तो इन दिस फेज साइटोप्लाज्म बिकम्स कंडेंस्ड and due to it condensation of chromatin fiber takes place, it leads to dehydration and coiling of chromatinate to form thick and short rod-like structure known as chromosome. क्या कहलाए? क्रोमोसोम कहलाया. अब कंडीशन क्या है कि जैसे इसकी बात करें तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है. और जो एस फेज में डुप्लीकेट हो गया है, एस फेज में क्या कंडीशन है, द डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है. अब कंडीशन क्या है कि जैसे प्रोफेज का जो है दो प्रोफेज seen in two stages. कौन कौन सा स्टेज है? अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. इसमें माइग्रेशन को बोलते हैं, ठीक है ना, मेटाकाइनेसिस बोल सकते हो,
माइग्रेशन टू द मेटाफेज बोल सकते हो। तो इस कंडीशन में आपका ये सेल है और इसके चारों तरफ जो है न्यूक्लियस है, इतना थोड़ा सा बड़ा बनाइए, न्यूक्लियस है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, जो भी सेल ऑर्गेनेल सब है इसके अंदर। और क्रोमेटिन नेटवर्क जो है इस टाइप से आपको दिखता, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया क्रोमेटिन, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही बात करें तो दो सेंट्रोजोम है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, दो सेंट्रोजोम है इसके चारों तरफ एस्ट्रल रेज, ये अपने अपने पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये अपने अपने पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही अपन चलते हैं यहाँ पे एक जो है न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोलस, यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे के सारे चीज है। और ये क्या है, न्यूक्लियस, ये आपका सेल है किस फेज का, अर्ली प्रोफेज, ये मूव कर रहा है। अब ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया और सारा चीज जो है डिसअपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिसअपीयरेंस स्टार्ट हो जाती है। और कंडीशन क्या है, इस फेज में डिसअपीयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। ये सारे के सारे चीजें क्या हो जाता है कि डिसअपीयरिंग, मतलब कि स्टार्ट टू डिसअपीयर, बट इसके कंडीशन में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये इस टाइप से बनना, मैं दिखा रहा हूँ बट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं ये चीज, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। दिखेगा नहीं, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारे के सारे चीज डिसअपीयर हो रहा है और सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, मूव करते जा रहा है, ये मूव करके आगे की तरफ जाएगा, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। सेंट्रोजोम मतलब कि इसमें डिसअपीयर्ड, खत्म हो गया, मतलब कि कंप्लीटली डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदर सेल ऑर्गेनेल, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना, आर कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, खत्म हो गया बिल्कुल। ये दोनों के दोनों चीजें क्या हो गई यहां पे, तो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये लेट प्रोफेज को क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज के तरफ, ये क्या कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। अब एस्ट्रल रेज की कंडीशन में अपन जैसे ही बात करते हैं दोनों के दोनों कंडीशन में, तो एस्ट्रल रेज किस तरह से, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि मतलब कि ये कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्रोमोजोम जो है कंडीशन क्या हो गया, कि ये आपको दिखता होगा, मतलब यहाँ तो कंडीशन है कि ये स्टेज को कह सकते हैं कि क्रोमोजोम not
डिस्टिंक्ट बट एक्ट्स एज अ बॉल ऑफ वूल दैट इज नॉन एज क्या है एस्पायरिंग स्टेज. इस स्टेज को क्या बोलते हैं एस्पायरिंग स्टेज. ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन में क्या हो जाता है कि क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड बोथ आर अटैच्ड विथ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन डिस्क लैप एंड ऑन इट्स अ प्रोटीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज नॉन एज क्या भैया काइनेटोकोर. इसे क्या बोलते हैं काइनेटोकोर जो हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट के लिए. इतनी बात तो समझ में आता है. चलो थोड़ा सा बात करेंगे कि अपना माइटोसिस जो है दो तरीके से होता है. एक जो है एनेस्टल माइटोसिस और दूसरा जो है एस्टल माइटोसिस. वो किस तरीके से दिखता उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, मतलब कि एनेस्टल और एस्टल एस्टल या एम्पी एस्टल की बात मैं करता हूँ. तो क्या होता है बेटा